नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू की बिल्कुल डिफरेंट टाइप की एकदम स्वादिष्ट सी रेसिपी। इस लाजवाब रेसिपी को जरूर देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर डेली ही आपको एक नए प्रकार की वीडियो देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 5 आलू लिए हैं, ये मीडियम साइज के आलू हैं और आलू थोड़े लंबाई में हैं, मतलब लंबे आलू हैं। तो यहाँ पर अच्छे से हमने आलूओं को वॉश कर लिया है। अब क्या करना है, इन आलू को छील करके तैयार कर लेना है। तो आलू छील करके रेडी है, अब आती है बारी आलूओं को कट करने की। तो यहाँ पर लिए हमने 2 स्ट्रॉ, तो यहाँ पर आप स्ट्रॉ की जगह पर किसी भी चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे 2 नाइफ इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर 2 स्पैचुला इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास चॉपस्टिक है तो आप चॉपस्टिक को लगा लीजिएगा। इससे क्या होगा, आलू जो है नीचे तक कटने नहीं पाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आलू को हमें उतना कट करना है जितने में ये ज्वाइंट रहे, और कट भी कर लेना है। तो इस तरीके से कट करने का ये बेस्ट तरीका है। तो दोस्तों आलू कटिंग करने का ये मेथड देखकर आप सोच रहे होंगे इसे कट करना बहुत कठिन है। जी नहीं दोस्तों, इसे कट करना बहुत आसान भी है और बहुत मजेदार भी है। इसे कट करने में बहुत मजा आता है। और साथ में देखिए दोस्तों, हमने चिप्स जितनी पतली लेयर भी नहीं रखी है और बहुत ज्यादा थिक भी नहीं रखी है। और इस आलू की लेयर में आपको दिखाऊंगी दोस्तों, सब की सब अलग अलग दिखाई पड़ रही है। ये देखिए, ये बहुत बढ़िया तरीके से आलू कट जाता है, और इस तरीके से कट करने से बहुत बढ़िया इसके अंदर तक ग्रेवी चली जाती है। तो यहाँ पर आलूओं को वॉश कर लेंगे, और सभी आलूओं को हमने कट कर लिया है। आलूओं को अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसके बाद में हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, बहुत बढ़िया कलर लाने के लिए, और साथ में डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक को थोड़ा सा अच्छा ही डालेंगे यहाँ पे, जिससे कि आलूओं के अंदर तक नमक चला जाए। तो उतनी देर के लिए इनको छोड़ देते हैं जितनी देर हम दूसरा काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई को चढ़ाया है, कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच के करीब ऑयल डाल देंगे। तो यहाँ पर हम आलू की एक बहुत ही टेस्टी सी सब्जी बना करके तैयार कर रहे हैं। रेगुलर जो सब्जी हम लोग आलू की बनाते हैं, उस सब्जी से डिफरेंट भी है और डिलीशियस भी है। किसी खास अवसर पर ज़रूर बना के तैयार करिएगा। तो यहाँ पर हमने 1 तेज पत्ता डाला है, 1 बड़ी वाली इलायची डाली है, और आधा चम्मच हमने जीरा इसमें डाल दिया है। जीरा जब अच्छे से चटक जाएगा तब हम इसमें क्या करेंगे, 1 मीडियम साइज के प्याज को प्यूरी बना करके, मतलब पेस्ट बना करके इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको चला लेंगे। तो इसे तब तक चलाना है जब तक इसका कच्चापन खत्म ना हो जाए। और जैसे ही प्याज का हल्का सा कच्चापन खत्म हो जाता है, वैसे ही हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, और इसे भी डालने के बाद में भून लेंगे अच्छे से। और सिर्फ 2 मिनट लगते हैं दोस्तों अदरक लहसुन के पेस्ट को सौटे होने में, थोड़ा सा भून जाने में। और जैसे ही अदरक लहसुन भून जाएगा, वैसे ही हम इसमें ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। तो 1 छोटा चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, और 1 छोटा चम्मच हम इसमें मिर्च पाउडर डाल देंगे। आपको जिस हिसाब से तीखा पसंद हो, उस हिसाब से मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा या घटा सकते हैं। साथ में हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, और आधा छोटा चम्मच हम इसमें गर्म मसाला ऐड करेंगे। वही बेसिक मसाले हैं जो हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मसालों के साथ साथ हम आधा कप इसमें पानी डाल देंगे, जिससे कि मसाले अच्छे से भून करके पक करके तैयार हो जाएं। तो मसालों को चला लेंगे एक बार और इसे पक जाने देंगे। और जैसे ही मसाले पक जाएंगे, हमको इसमें 1 बड़े साइज के टमाटर की प्यूरी को डाल देना है। तो मसाले पक जाएंगे ये कैसे पता चलेगा, देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है। जब मसालों में से ऑयल दिखने लगे, मतलब मसाले ऑयल रिलीज कर देंगे, वैसे समझ जाइए कि मसाले पक चुके हैं और इसमें से बहुत बढ़िया सी खुशबू आने लगेगी। तो बस उसी स्टेज पर हमको टमाटर की प्यूरी को ऐड कर देना है और इसके बाद में चला लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों, जैसे ही आप टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे, साथ साथ स्वाद के अनुसार नमक भी ऐड कर देंगे। मैंने नमक डाल दिया है लेकिन उसका शॉट मैं नहीं ले पाई। तो प्यूरी डालने के बाद में लिड लगा करके टमाटर को अच्छे से पका लेंगे, और इसके बाद में जिस हिसाब से ग्रेवी आपको पसंद हो उस हिसाब से ग्रेवी लगा लीजिए। हमने 1 से 1.5 गिलास पानी इसमें ग्रेवी के लिए डाल दिया है। और दोस्तों इस पे क्या करेंगे, अब लिड लगा देंगे और ग्रेवी में बॉयल आ जाने देंगे। और जैसे ही ग्रेवी में बॉयल आ जाता है, 1 मिनट के लिए इसको खुला पका लेंगे, और इसके बाद में हम इसमें उन्हीं आलूओं को ऐड कर देंगे जो हमने पहले से रेडी करके रखे हुए थे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सपोर्ट कर देने से हमें ढेर सारा कॉन्फिडेंस मिलता है, और जिसकी वजह से मैं रोज़ आपके लिए एक नए प्रकार की वीडियो को बना पाती हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, आलू को हमने ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए पकने दिया है मीडियम से लो फ्लेम पर, और आलू बहुत अच्छे से पक करके रेडी है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, अगर आलू पक गए हैं तो पकने का प्रोसेस बंद कर दीजिएगा और इसके बाद में धनिया से गार्निशिंग कर दीजिए। ये लाजवाब सी टेस्टी सब्जी ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों, ये बहुत ही स्वादिष्ट बन करके रेडी हुई है। एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा। इन आलूओं का टेस्ट और ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही मस्त आता है, तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर सब्जी रेडी है, आइए इसे सर्विंग बाउल में
ट्रांसफर कर लेते हैं। ये देखिए, देखने से ही मुंह में पानी आ रहा है ना, बहुत ही डिलीशियस होती है, इसे जरूर ट्राई करिएगा। तो मैं फिर मिलूंगी दोस्तों एक नई रेसिपी में, एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।